आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लास 10 आर्यस अग्रवाल की बुक से टिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के बारे में। सो उसमें एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व कर चुके होंगे एंड अदर क्वेश्चंस भी आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 के नाम से आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी सॉल्यूशन देख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आर्यस अग्रवाल की बुक में इस बार कुछ अपडेशन हुए हैं, मींस आर्यस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो चेंज हो गए हैं। सो यहाँ पर आपको वही चेंजेस क्वेश्चंस, अपडेटेड क्वेश्चंस, वो सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एंड आप चाहते भी हैं। सो गाइज आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। सबसे पहले हमें बोला है एक ऑब्जर्वर है जो कि कितने मीटर लंबा है, 1.5 मीटर। तो हमने मान लिया कि एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, राइट। इस 30 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी मीन्स एक कोई चिमनी है जिससे ऑब्जर्वर कितने डिस्टेंस पे है, 30 मीटर की डिस्टेंस पे है। मीन्स इस ऑब्जर्वर और इस चिमनी के जो बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 मीटर है। सो इतना क्लियर है आपको। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। मीन्स जो ये ऑब्जर्वर है इसकी आई से, आई यहाँ पे होगी ना, तो यहां से अगर वो बिल्कुल सामने देखता है तो ये होता है आपका एक पॉइंट, राइट। एंड इसकी आई से चिमनी की टॉप से जब ये देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है आपका, 60 डिग्री। क्लियर है इतना आपको? देखो उसने बोला, क्लियर बोला है आपको कि आई से मींस ये तो उसका फुट हुआ, ये उसके पैर हुए, यानी कि आई से जब हम स्ट्रेट देख रहे हैं तो ये पॉइंट बन रहा है, लेकिन उसने कहा कि चिमनी के टॉप को देखना है, तो ये चिमनी का टॉप है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 60 डिग्री। आपको अच्छे से मालूम है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम टॉप पर देखते हैं, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब हम डाउन लेवल देखते हैं। सो यहाँ पर टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है जो कि आपको दिया है 60 डिग्री। नाउ पॉइंट मेजर कर देते हैं ए बी सी डी ई, क्लियर। आप देख रहे हैं अगर आपको बी डी 1.5 है तो ये ई सी भी कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी, इक्वल है बिल्कुल स्ट्रेट, राइट। अगर बी सी 30 मीटर है तो आपकी डी ई भी कितनी होगी, 30 मीटर होगी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लेट सपोज आपका बी डी क्या होता है, लेट बी डी इज एन ऑब्जर्वर, ठीक है। आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे एंड एसी, ये जो आपकी एसी है ये क्या है, चिमनी है, एसी इज द चिमनी, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आपका बीडी ऑब्जर्वर है, एसी चिमनी है, यहाँ पर आपको फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी यानी कि आपको एसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देख लेते हैं बीडी इक्वल्स टू CE equals to कितना है, 1.5 मीटर, राइट। एंड ये जो आपके BC है डिस्टेंस equals to किसके है, BC equals to DE equals to 30 मीटर है, ये क्लियर। सो हमें मालूम हो गया BD CE के इक्वल 1.5 एंड DE BC के इक्वल 30 मीटर है। नाउ आपको ये AC कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर ADC ट्रायंगल बन रहा है, सो अगर हम AE कैलकुलेट कर ले तो AE प्लस EC से आप AC कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सो हम यहाँ पर पहले ये जो आपका ट्रायंगल ADE है इसमें देखते हैं, ये आपको एंगल 60 डिग्री दिया है, बेस की वैल्यू दी है आपको एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो हमें टिग्नोमेट्री का मंत्र याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मींस ये जो आपका होता है साइन कोस टेन, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देखना है, वो किस में आ रहा है, टेन के लिए आता है, टेन फंक्शन के लिए। दैट मींस एंगल 60 हम यूज करें, सो इन ट्रायंगल ए डी ई टेन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल में, ए ई है
एंड बेस कितना है, डीई है, राइट। सो आपको एई कैलकुलेट करनी है एंड डीई कितनी दी है, 30 मीटर। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर डीई कितनी है, 30 मीटर। Now, tan 60 degree equals to आगे AE upon 30. अब guys, आपको trigonometry table से tan 60 degree की value मालूम है अच्छे से, जिसे नहीं मालूम, नीचे description box में मैंने link दिया हुआ है, landing trick देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा helpful है। So, tan 60 degree की value होती है root 3 equals to AE upon 30. Clear? Now, यहाँ से AE हम calculate कर लेंगे 30 root 3. That means 30 into 1.732. Clear? Now, जब multiply करेंगे तो AE की value क्या जाएगी? A equals to हो जाएगा आपका 51.96 meter. ये डाट के सभी meter में दिए, तो ये भी किसमें आएगा? Meter में आएगा, ठीक है? So आपकी AE की value आ गई, EC की आपको मालूम है. That means हम total chimney की value AC calculate कर सकते हैं AE plus EC से, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है, 51.96 प्लस EC की वैल्यू कितनी है, 1.5, तो ऐड कर सकते हैं। आइए ऐड कर लेते हैं, A equals to 6 एंड 905 को जो ऐड करेंगे 0.353.46 meter. दैट मींस चिमनी की वैल्यू, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ chimney equals to 53.46. Clear ही आपको किस तरीके से हमने solve किया? So आपको basic concept है, diagram सही से बनना चाहिए। अगर आपका diagram सही से बन गया तो आप easily solution कर सकते हैं। So हमने सिर्फ diagram बनाया, diagram के बाद इस triangle में हमने क्या किया, value apply की, then AE की value find out की, so AC की value AE plus EC से calculate कर ली, है ना? So easy. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम हाइट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो गाइस, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ना है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। सो दोनों को तरीके देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसकी बात हो रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, मींस कोई एक टावर है, ठीक है? लेट सपोज, लेट ए बी इज द टावर, ठीक है? हमने मान लिया कोई ए बी एक हमारा टावर है, राइट? सो ये हमने ए बी टावर मान लिया, ए बी, क्लियर? नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, मींस ये जो टावर है, इस हम पीछे से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? बेस, टावर के बेस से, ये टावर का बेस है, मान लिया ये टावर का पूरा एक बेस है। यहां से इसने बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम देखते हैं, कहां से देख रहे हैं, फ्रॉम टू पॉइंट्स, मान लिया एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है? ये जो डिस्टेंसेस है आपकी, ये कितनी है, 5 मीटर और 20 मीटर, ठीक है? जो क्योंकि कम डिस्टेंस है तो 5 मीटर ये होगी एंड ज्यादा डिस्टेंस है तो 20 मीटर आपकी ये होगी, ठीक है? सो ये ए बी सी, तो ये टू पॉइंट्स हमारे दिए हुए हैं, जहां से हम क्या देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप को देखते हैं, तो हाइट का ये पॉइंट हो गया आपका, तो ए बी आपके टावर की डिस्टेंस हो गई। इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, डायग्राम बन जाता है। उसने आपसे बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप से हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कहां से बन रहा है, बेस के टू पॉइंट से, फ्रॉम टू पॉइंट एट डिस्टेंस 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से टू पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। ध्यान रखना, कहीं बीच में आपका ना कोई कोमा आया ना कोई स्टॉप आया, लेकिन सेंटेंस इतना बड़ा था तो उसने बताया एंगल ऑफ एलिवेशन लास्ट में दिया है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मींस सम किसके इक्वल है, 90 डिग्री के है। सो गाइस,
अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मींस इन दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री का है। सो अगर ये थीटा है तो दूसरा क्या हो जाता है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ये कॉमा दिया है और स्टार्टिंग में बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ द टावर का फ्रॉम टू पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर, इस टावर के बेस के टू पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इसने क्या बताया आर कॉम्प्लीमेंट्री, मींस सम जो है 90 डिग्री है। नाउ हाइट बता दीजिए जल्दी से टावर की, ये ए बी की हाइट बता दीजिए। That means let AB equals to H, ठीक है, and हमने मान लिया let angle of elevation of the top of tower from point C equals to, इस point से कितना होगा 90 minus theta. Right now, let angle of elevation of the top of tower from point D कितना होगा आपका, हमने क्या मान लिया इस पॉइंट को, D मान लिया इस पॉइंट से, कितना है आपका थीटा है, ठीक है। सो हमने मान लिया कि 90 माइनस थीटा एंड ये थीटा है। नाउ हाइट मालूम करनी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल एडीबी अगेन फ्रेंड्स परपेंडिकुलर और बेस जब हमारा आ जाता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, टेंथ फंक्शन अप्लाई करते हैं। सो इन ट्रायंगल ए डी बी टेन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन फाइव, कैसे, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी डी होता है, बी डी की वैल्यू 5 है, ए बी की वैल्यू एच है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी एच अपॉन 5, इक्वेशन मान ली 1, ठीक है। नाउ अगेन इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी बी, टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन बी सी, दैट मीन्स एच अपॉन BC की वैल्यू 20, नाउ 1090 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है, कोट थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन 20, ठीक है। अब आपने इसे मान लिया इक्वेशन 2, गाइस यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है, यहीं से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड जो है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड राइट साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन 5 इंटू एच अपॉन 20। नाउ आपको अच्छे से मालूम है कि tan थीटा इनटू cot थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये टर्म हमने स्टडी की थी ऑलरेडी, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला एंड लर्निंग टेबल वाले ट्रिक में मैंने आपको बताया हुआ है एंड इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी ना। सो आपको मालूम होगा tan थीटा इनटू cot थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 100, दैट मींस एच स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 100 के, तो एच इक्वल्स टू आ जाएगा 10 यूनिट, क्योंकि सभी आपको मीटर में दी हुई है तो हाइट की वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी मीटर में आ जाएगी यूनिट, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। नाउ सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सो हम इसको रब कर देते हैं यहाँ से, या आपने नोट डाउन कर लिया होगा, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर रब किया है। नाउ सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप यहीं से कोट थीटा की वैल्यू टेन थीटा के फॉर्म में कैलकुलेट कर दीजिए। कोट थीटा आपको मालूम है रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन tan थीटा का, दैट मींस यहां से tan थीटा आप कर लेंगे 1 अपॉन tan थीटा
cot theta को लिख लीजिए 1 upon tan theta equals to h upon 20. So tan theta किसके equal आ जाएगा? 20 upon h. उल्टा कर दीजिए. ठीक है, अब हम इस equation को second नहीं मानेंगे, इसे मान लीजिए equation 2. ये क्वेश्चन आप हम क्या कर रहे हैं, सेकंड मेथड से शो कर रहे हैं. सो cot theta equals to h upon 20, cot theta को हमने 1 upon tan theta लिख लिया क्योंकि रेसिप्रोकल होता है h upon 20. सो tan theta क्या हो गया, 20 upon h हो गया. नाउ इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड इक्वल tan theta equals to h upon 5, वहां पे tan theta equals to 20 upon h. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी बाय इक्वेशन 1 and 2, h upon 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 20 upon h. Now cross multiply, h square equals to 100, so h equals to 10 meter. h का जो हम square root लेंगे तो क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, unit meter में है, so value क्या आ जाएगी, 10 meter आ जाएगी. So guys दोनों तरीके से question कर सकते हैं, clear आपको concept? दोनों तरीके से कोई भी तरीका आप अप्लाई कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही मेथड आपके लिए बेस्ट है. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है. सो आपने देखा सिर्फ कांसेप्ट को स्टडी करना है क्योंकि इसमें आपको एक ही सेंटेंस में सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है, समझना है, देन डायग्राम जिस जैसे ही आपका बन जाएगा तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. सो गाइस अदर क्वेश्चन सॉल्व देखना चाहते हैं सॉल्यूशन, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10. अदर चैप्टर के सॉल्यूशंस भी आपके लिए अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस भी, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपके लिए अवेलेबल है, वो सभी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं. उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे. ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो आपकी डेली होती रहती है, वीकली होती रहती है, वो सब चीजें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा. ओके, अगर समझ आ गया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले. यस मैम मुझे समझ आ गया है. ओके बाय बाय, टेक केयर.